से हुई। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज से 18 वर्ष पहले 10 अप्रैल 2006 के दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने कितने ही लोगों के अपने छीन लिए। मेरठ का विक्टोरिया पार्क, जिसे अब भामाशाह क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, अब वहाँ बड़े बड़े मैच होते हैं, लेकिन ये जो जगह है वो एक ऐसी घटना की गवाह रही है जिसने कितनी ही जिंदगियां छीन ली। आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये मेरठ के सबसे व्यस्ततम रोड है, दिल्ली रोड, जो विक्टोरिया पार्क की तरफ जाती है। 10 अप्रैल 2006 को मेरठ में आज ही के दिन एक सामान्य दिन था, कड़क धूप निकली थी, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। विक्टोरिया पार्क में कंज्यूमर मेला गुलजार था। दिन में मेले में प्रदर्शनी के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शाम होते होते एक भयानक हादसा हुआ। शाम के समय प्रदर्शनी के बाद लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही 5:45 पर यहाँ एक भीषण हादसा हुआ। पंडाल में अचानक आग लग गई और धू धू कर आग की लपटें उठने लगी। पंडाल में आग लगने की खबर फैलते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक जो आग थी वो पंडाल को धारण कर चुकी थी और लोगों को अपनी चपेट में लेना आग ने शुरू कर दिया था। तड़पते हुए जो लोग, जिनके शरीर में आग लग चुकी थी, वो एक दूसरे से मदद मांग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था कुछ जिससे वो हेल्प ले सके, या वो किसी ऐसा रास्ता कोई उन्हें नहीं दिख रहा था कि वो बाहर निकल। बताया जाता है कि मेरठ में इस तरह का जो आयोजन था वो पहली बार हुआ था। इतने बड़े लेवल पे जो आयोजन पहली बार किया था प्रशासन ने, और अच्छे इंतजाम भी थे, एसी बहुत था पूरा, और खचाखच लोगों से भरा हुआ था। सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग, बताया जाता है कि वहां पे उस समय मौजूद थे, लेकिन आग लगते ही इस कदर भगदड़ मची कि लोगों को वहां से निकलने तक का जो समय था वो नहीं मिला। कहा जाता है कि चंद ही मिनटों में लाशें भिजती चली गई, शरीर पे आग उठती हुई, शरीर पे उनके आग निकल रही थी, लोग तड़प रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उनको बचने का कोई जो रास्ता था वो नजर नहीं आ रहा था। हालांकि कई लोग बताए गए कि इसमें घायल भी हुए थे। टोटल 65 लोगों की जिंदगी इसमें चली गई थी। 65 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे, जबकि 85 से ज्यादा लोग घायल हुए, तो 81 मामूली रूप से झुलस गए थे। इसी सब को लेकर हमने आज अपने जो हमारे साथी हैं आशुतोष जी, उनसे हमने बात की। वो उस समय आपको देखा हाल आपको उस समय का सुनाएंगे, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। 10 अप्रैल 2006, विक्टोरिया पार्क अग्निकांड, वो काला दिन जब मेरठ के 65 लोगों की उस अग्निकांड में जान चली गई। घटना शाम लगभग 4:30 के आसपास की है। मैं डेली फोटोग्राफी करके सिटी से कंकरखेड़ा पहुंचा था, तभी मेरे पास फोन आया। आबुलेन पर उस समय एक बड़ा चर्चित साइबर कैफे हुआ करता था, विलेज एक्स। विलेज एक्स के ओनर ने मुझे फोन कर बताया कि विक्टोरिया पार्क में जबरदस्त आग लग गई है, कई कैजुअल्टीज हुई हैं, ऊपर छत के ऊपर से प्लास्टिक और रबर टपक रही है, जिसको जिस पर भी वो है आग गिर रही है वो वहां से उठ नहीं पा रहा। वो खुद वहां से जान बचाकर जैसे तैसे बाहर निकले थे। मीनवाइल मैं कंकरखेड़ा से तुरंत विक्टोरिया पार्क के लिए अपने स्कूटर से दौड़ा। कंकरखेड़ा रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद जब मैं 510 आर्मी बेस वर्कशॉप के सामने से जा रहा था, तो दक्षिण पूर्व की तरफ से मुझे आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा था। तो मैं अज्यूम कर रहा था उस समय पर कि संभवतः ये वही आग है जिसके बारे में अभी मुझे विलेज एक्स से फोन आकर बताया गया। तेजी से मैं आगे बढ़ता गया और मैं विक्टोरिया पार्क पहुंच गया। इतनी भयंकर आग और तपिश, पुलिस लाइन के गेट के सामने मैंने अपना स्कूटर पार्क किया और वहां से हम विक्टोरिया पार्क की दीवार के पास पहुंचे। शाम के लगभग 5:45 का समय हुआ। भीषण आग, चारों तरफ धुआं, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई जो है उस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर जाए। हम दीवार के दूसरी तरफ सड़क पर खड़े हुए थे पुलिस लाइन के पास। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार आती रहीं, तमाम आग बुझाने के प्रयास होते रहे।
ये सिलसिला लगभग एक घंटा चला। अंधेरा होने को शुरुआत हो गई थी 6:30-6:30 के आसपास का समय रहा होगा। शहर के सभी अखबारों के फोटोग्राफर्स रिपोर्टर्स मौके पर पहुंच चुके थे, लेकिन दीवार के अंदर जाना किसी के लिए संभव नहीं था। तब तक कुछ देर बाद आग शांत हुई, एक धुएं का गुबार रह गया। हम लोगों ने हिम्मत करके दीवार से अंदर कूदे और विक्टोरिया पार्क के अंदर हम प्रवेश कर गए। फायर ब्रिगेड की टीम जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी, आग बुझाने का काम चल रहा था वहां पर। इतनी देर में अचानक एक हवा का तेज झोंका आया, आग शांत हो गई थी और धुआं एकदम से गायब हो गया। धुएं के गायब होते ही वहां वो जो दृश्य था, वो दृश्य ये था कि मिट्टी और मिट्टी में पूरी तरह लिपटी हुई 30-40 लाशें सड़क पर बिछी हुई थी। 3 ट्रक्स पीएससी के खुले लगे हुए थे, जिसमें पुलिस और पीएससी और अन्य सुरक्षा बल उन शवों को उठाकर उसके अंदर डाल रहे थे। शहर का शायद ही कोई हॉस्पिटल या नर्सिंग होम था जहां उस अग्निकांड के जले हुए लोग मौजूद ना हो। रात भर बचाव कार्य और अन्य कार्य चलते रहे। अगले दिन तमाम राजनीतिक दलों के लोगों का आना, तमाम सामाजिक संगठनों का, और विक्टोरिया पार्क अग्निकांड का वो दृश्य एक काला सच हमारे सामने रह गया। मैं हूं amarujala.com से राजकुमार सैनी। आज हम उस काले दिन के बारे में आपके बीच चर्चा करने जा रहे हैं। वो दिन है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के दिन मेरठ के अंदर विक्टोरिया पार्क में एक मेला आयोजित किया गया था, जिसमें एक आगजनी हुई थी। उस आगजनी को भला मेरठ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता शायद ही भूल पाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा अग्निकांड था जिसमें 65 लोगों की जान चली गई थी। पूरी रात आग जलती रही, लोग झुलसते रहे, और जैसे ही अगला दिन हुआ यानी कि 11 अप्रैल हुई तो नेताओं का आना भी वहां पर स्थल पर शुरू हो गया। हम उस समय मीडिया हाउस में काम करते थे, हम सभी लोगों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई थी। हम सभी लोगों को उन सभी परिवारों की तलाश में लगाया गया था जो परिवार उस मेले में आए हुए थे और जिन परिवारों के सदस्य उसमें झुलस कर उनकी जान चली गई थी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम पूरे शहर के अंदर उन सभी लोगों की परिवारों की तलाश में निकल चुके थे जहां जिन परिवारों के सदस्य उसमें जान गंवा चुके थे। एक ऐसा दृश्य भी उस समय देखने को मिला जब हम एक सूची लेकर इस शहर के गली मोहल्ले में घूम रहे थे। जिस परिवार के लोगों की वहां मौत हुई, जब हम उनके घर पर पहुंचे तो वहां पर कई घरों में हमें सन्नाटा भी देखने को मिला था। परिवार के जो सदस्य मिले थे वो बस केवल इसी अंदाज में हम लोगों से बात करते नजर आ रहे थे कि उनके गले रुंध रहे थे, लेकिन वो पूरी तरीके से अपनी बात बता भी नहीं पा रहे थे। कई लोगों ने तो केवल हमें फोटो दिखाकर ही इस घटना के संबंध में कुछ बताने का प्रयास किया। उनके उस दृश्य को देखकर हमारी आंखें भी नम हो गई। कई परिवार, सभी परिवारों की लिस्ट हम मीडिया वालों ने सार्वजनिक की। काफी प्रयास के बाद उन सब लोगों को न्याय मिलना शुरू हुआ। आज का दिन जब भी प्रतिवर्ष आता है तो पूरे शहर की जनता उस अग्निकांड को कभी नहीं भूल पाती। अभी भी आज के दिन भी आज विक्टोरिया पार्क में उसी स्थान पर जहां पर यह अग्निकांड हुआ था, आज वहां पर सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं। मैं बता दूं कि उस दिन की घटना ऐसी थी कि अगले दिन ही पूरे देश के अंदर राजनेताओं में हलचल मच गई थी और बड़े बड़े नेता विक्टोरिया पार्क कांड को देखने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे थे। लेकिन गुस्सा, जनता का गुस्सा इतना अधिक था कि कई बड़े नेताओं को भीड़ ने तोड़ा दिया था। उस समय समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन भीड़ के आक्रोश को देखकर उनको वहां से दबे पांव वापस लौटना पड़ा था। इसी प्रकार अन्य कई नेताओं के साथ भी ऐसी घटना विक्टोरिया पार्क कांड
के दौरान हुई। 8 अप्रैल 2006 को विक्टोरिया पार्क अग्निकांड में मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, हम तीनों गंभीर रूप से घायल हुए थे और उसके बाद से हम लोग प्रयासरत है कि घायलों को और मृतकों को परिवारों को न्याय मिल सके और उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की रिजेक्शन के बाद अब यहाँ लोअर कोर्ट में उसके निस्तारण के लिए कार्रवाई चल रही है और जो क्रिमिनल केस सरकार द्वारा करा गया था वो अभी तक लोअर कोर्ट में ही चल रहा है और उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके लिए भी हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं बट उसमें आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और जो आयोजक थे उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले रखा है जिसके कारण से लोअर कोर्ट में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं चल पा रही। नजर नहीं आया उसके बाद में बेटे का फोन आया, मैं यशलोक में हूँ यहाँ आ जाओ, वहाँ से फिर उसको अपना नर्सिंग होम ले गया, काम में उसका ट्रीटमेंट चला और लगभग 20-21 दिन बाद वो बेटा। आपका शुभ नाम? विपिन कुमार। और बेटे का? अमित गोयल, अमित कुमार गोयल। अभी समिति के द्वारा आप लोगों की क्या मांग है? समिति द्वारा मांग तो वही है भाई, जो हमारा जो हो चुका वो तो वापस नहीं हो सकता, एक तो ये पुनरावृत्ति ना हो मेरठ के अंदर, दूसरा मेरठ का पूरे संसार में ना हो, इंडिया में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, जिस तरह की हादसे होते हैं घर बर्बाद होते हैं लोगों, और बाकी जो संजय खजाना मुकदमा लगाया हुआ है क्लेम के लिए हो, क्लेम मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता तो लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कब तक लड़ते चलते देखते हैं। विक्टोरिया पार्क अग्निकांड में हमारे सामने जावेद के पिता, जावेद वह शख्स था जिसने अग्निकांड के दौरान बहुत से लोगों को पंडाल से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम मिजाज अहमद है, मैं शहीद जावेद का पिता हूँ। हम उस टाइम दिल्ली रहते थे मगर अब हम रहने वाले बरेली गए हैं, मैं बरेली से ही आता हूँ हर साल यहाँ। तो मेरे बेटे ने देखा था कि दूसरों की जाने जा रही, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, दूसरों की जानें बचाई, उसमें काफ़ी 30-35 लोगों की जानें बचाई थी और वो शहीद हो गया था, मगर आज तक सरकार ने कुछ नहीं करा। वादा करा था कि सूर्य पुरस्कार मिलेगा, मेरे पास खून भी आया था गृह मंत्री के हॉस्पिटल, मगर बाद में उन्होंने भी कह दिया कि अभी जाँच उसने की गई, जबकि सबको पता पूरे मेरठ को सब पूरे देश को मालूम कि जावेद ने लोगों की जानें बचाई हैं, मगर आज तक मैं मायूस हूँ। मेरे दो बेटे हैं और किसी को नौकरी नहीं मिली, ये मेरा बड़ा बेटा था, मुझे जाने का कम तो है ही मगर मैं गरीब परिवार से हूँ, बस मेरे बेटे की सरकार सुन ले, एक बच्चे को नौकरी दे दे। साल 2006 में आज के दिन हुए इस विभत्स अग्निकांड ने कई लोगों की जान ले ली, तकरीबन 65 लोगों की जिंदगी छीनी, जिनमें नंदन स्पोर्ट्स के मालिक संजय गुप्ता के भाई समेत उनके परिवार के कई लोगों की जान चली गई थी। 18 साल बाद भी वो उनके साथ ऐसे कई पीड़ित परिवार हैं जो इस इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।